स्वागत है कली से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और सामर्थ बड़ी हजूरी में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। कली से सभी जन जोरदार तारीख के साथ एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो सामर्थी है, जो जलाली है और जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देते हैं। आज सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस तालियों के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने घुटनों पर आए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा, अपने अनकंडीशनल अगापे प्रेम के द्वारा परमेश्वर हम सबको अपनी पवित्र हजूरी में एक बार फिर से इकट्ठा किया, जगह भी जगह से परमेश्वर में लेके आए, इसे सभी जन परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हुए ऑनलाइन कलीसिया सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो महान है, जो परम प्रधान है, जो सर्वशक्तिमान है और जो हर दिन हमारे बोझ को उठाते, आज सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इस समय जहाँ कहीं से भी ऑनलाइन आप परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट रहे, आज सभी जन रूह और सच्चाई से तालक के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाए, उसकी शुक्रगुजारी करते जाए, उसकी हम ना करें, क्योंकि आप आए नहीं प्रभु अपने फजल से, अपने अनुग्रह से आपको लेके आए, उसका धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमें गवाहियों के साथ ब्लेस करते हैं, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आकाश और पृथ्वी के कर्ता का आज सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हर एक जन आज परमेश्वर की हजूरी में एक मन हो जाए, एक चित्त हो जाए। हो सकता है कि आज आप पहली बार परमेश्वर की हजूरी में कनेक्टेड है, हो सकता है पहली बार परमेश्वर के सम्मुख आए हैं। आज सभी जन परमेश्वर के सम्मुख आते हुए अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए, और जो आज के दिन तक प्रभु ने आपके जीवन में भलाइयां की, उन सब भलाइयों को याद करते हुए कली से आज सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने आज के दिन तक संभाला, हमारे सारे भारी बोझों को अपने ऊपर ले लिया, हमें चिंताओं से आजाद किया, आज उस परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हुए। वो हमारा परमेश्वर जो भला है और जिसने हमारे जीवन में आज तक केवल और केवल कलीसिया भलाइयाँ ही की, आज उस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हो सकता है आप बीमारी के बिस्तरे पे हैं, अपने आप हॉस्पिटल में हो सकते हैं, आप अपने घर पर बीमारी के बिस्तरे पे हैं, आप चल फिर नहीं पा रहे, आपके शरीर में जो इन्फेक्शन है वो बार बार आ जाना है, हो सकता है कि आपके घाव शरीर के अंदर जा बाहर वो सूख नहीं रहे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, वो गांठ, वो सर्वाइकल, वो सिस्ट, वो ट्यूमर, आज एक एक जन परमेश्वर के निकट आए। आपके पास जॉब नहीं है, हो सकता है कि आप ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हो सकता है कि आपका ऑफर लेटर आ चुका है और अभी तक आपको कंफर्मेशन का कॉल नहीं आया, या हो सकता है कि आपकी जॉब लग चुकी है और आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। आज हर एक जन परमेश्वर के निकट आए। वो हमारा परमेश्वर जो भला है और जो हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हमें हम सबको वो गवाहियों के साथ ब्लेस करते हैं। आज एक एक जन परमेश्वर के निकट आए। हो सकता है कि आज भी आपके जीवन में वो कोर्ट केस है, हर एक तरह का केस, जो भी आपके जीवन का केस है, वो दुख का, वो कष्ट का, वो बीमारी का, वो आपके बच्चों की अनाज्ञाकारिता का, या आपके आपके जो पर्सनल लाइफ है उसमें का केस, आज हर एक तरह के केस को कलीसिया बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आए। वो हमारा परमेश्वर जिसका पवित्र कलाम कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इसका मतलब कि आपके जीवन में आपको बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो असंभव लगती हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करेंगे उनके जीवन में सब कुछ संभव है, और प्रभु की सामर्थ के लिए हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आज हर एक जन अपने घुटनों पर आए, ऑनलाइन कलीसिया सभी जन अपने घुटनों पर आए, अपना ध्यान आज परमेश्वर की ओर लगाएं, अपना चित्त आज प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। वो हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य है, जो परम प्रधान है, जो सर्वशक्तिमान है, और जो हमारे बोझों को अपने ऊपर लेके परमेश्वर ने ले लिया और परमेश्वर हमारे बोझों को लिए फिरते, आज उस परमेश्वर के सम्मुख है एक एक जन, हालेलुया। आज भी आप चिंता में हो सकते हैं, आज भी आप डर और घबराहट के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर और मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का पवित्र कलाम कहता है कि इधर उधर मत ताक, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तुझे बचाने के लिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे बीच में हूँ, मैं तेरे सम्मुख हूँ। और क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि वह हमारे बीच में अपने पास अपने निवास स्थान को बनाए रखेगा और वह हमारे बीच में चला फिरा करेगा, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तो जो तुम्हारी देह है वह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है,
आज भी आपके जीवन में वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है जिसकी वजह से आज भी आप अधूरे हैं। और परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है कि हमें हमारे परमेश्वर ने जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है वो एक सहायक और एक मददगार के लिए दिया है। आज सभी जन आज की प्रार्थना सभा में कनेक्ट हो जाएं बड़े विश्वास के साथ, रू और सच्चाई के साथ। वो हमारा परमेश्वर, जितने जन आज भूखे और प्यासे हैं आज परमेश्वर के निकट आए। प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो हमें ऐसा जल पिलाएगा जिस जल को पीने के बाद हम कभी प्यासे नहीं रहेंगे। वो हमें ऐसी जीवन की रोटी को खिलाएगा जिसे खाने के बाद हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। इसलिए आज कलीसिया बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आए, अपनी परिस्थितियों को लेके, अपने घर के उतार चढ़ाव को लेके, वो परिस्थितियों को लेके, वो अपने जीवन को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। हो सकता आज भी आपकी जो मैरिड लाइफ है वो स्टेबल नहीं है, आज परमेश्वर के निकट आए। वो दुख, वो कष्ट, आज भी आप चीट कर रहे हैं एक दूसरे को, आज परमेश्वर के निकट आए। और समय है आज की प्रार्थना सभा में अपने मुखों को खोलते हुए, आज आपने अपने मुख का सरफा नहीं करना, उसको बंद करते हुए अपने मन ही मन प्रार्थना नहीं करनी है। आज आपने आपने कलीसिया ये देखे कि आपके सम्मुख कोई और नहीं, केवल और केवल स्वर्ग का राजा, हमारा शांति का राजकुमार, हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़ा है। इसलिए आज सब कुछ भूलते हुए आज अपना ध्यान, अपना चित्त परमेश्वर की ओर लगाएं और अपने केस को परमेश्वर के सम्मुख रखने से पहले आइए हर एक जन अपने हाथों को स्वर के उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। एक एक जन आज अपने मुखों को खोले, ऑनलाइन कलीसिया आज अपने मुखों को खोले और परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को हिलाते हुए आपने ये कहना है कि प्रभु आज के दिन तक आपने मुझे संभाल के रखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहें, क्योंकि मसीह में जब आप प्रभु में आ चुके हैं तो हमारे परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम हर बात के लिए अपने परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। आप याद करें कलीसिया कि कुछ दिन पहले आप प्रॉब्लम में थे, आप कोर्ट केस में चले गए थे, आपके ऊपर पुलिस केस हो चुका था, पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा आपको उस केस से आजाद किया, अपने बड़े हाथ को, अपने धर्म में देने हाथ को आपकी ओर बढ़ाया और आपको उस गड्ढे से परमेश्वर ने आजाद किया है। आज अपने हाथों को स्वर्ग उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो भला है और जिसने हमारे जीवन में आज तक भलाइयां की और भलाइयां की। आपने बहुत बार परमेश्वर को परखा और परमेश्वर को परखा और उसने फिर हमारे जीवन में भलाई की। आज समय है परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने का, और जो धन्यवाद के बलिदान चढ़ा रहा है परमेश्वर को, वो प्रभु की अद्भुत महिमा कर रहा है, वो प्रभु को प्रसन्न कर रहा है, वो प्रभु को खुश कर रहा है। इसलिए आज हर एक कलीसिया, ये एक परमेश्वर का ऐसा वायदा है, प्रभु का ऐसा वचन है जो हर एक जन अपने जीवन में से प्रभु को प्रसन्न कर सकता है उसके वायदे को पूरा करते हुए। सभी जन प्रभु को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। आपने अपने मुख से बोलना है कि आप किसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कह रहे हैं, अपने जीवन के लिए जो प्रभु ने गवाहियां दी उसके लिए, जो प्रभु ने आपको ब्लेस किया उसके लिए, जो परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा उसके लिए, जो उसने आपको अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया उसके लिए। आज सभी जन अपने मुखों को खोले और परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी शुक्रगुजारी, उसकी आराधना करना शुरू करें। कहे प्रभु आपने मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी सोच से बढ़कर कहे प्रभु आपने मेरे जीवन में कार्य किए, कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहे प्रभु आपने मुझे बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट दिया, आज कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और कहे प्रभु मैं आया नहीं, आप मुझे ले गया है, कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी जन सभी बच्चे अपने घुटनों पे परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऑनलाइन कलीसिया एक एक जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे बोझों को लेके अपने ऊपर उठा लिया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करे। हमारे दर्दों से परमेश्वर ने आजाद और रिहा किया, आज उसका धन्यवाद करे। प्रभु ने हमें सहायता दिया, आज उसका धन्यवाद करे। उसने हमारी मदद की, आज परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। और जहां कहीं भी प्रभु की अधूरी के साथ कनेक्ट है, ऑनलाइन इंडिया के किसी स्टेट से, फॉरेन से, आप किसी भी स्टेट से परमेश्वर के दूरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप किसी भी कंट्री से आज परमेश्वर के दूरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं।
आज हरेक जन हरेक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसकी शुक्रगुजारी करे, उसकी हम सराहना करते हुए थैंक यू जी का धन्यवाद। यीशु तालियों के साथ, तालियों के साथ। और जो आज परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, आज परमेश्वर एक बार फिर से उन्हें अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने जा रहा है। प्रभु का अभिषेक आज एक बार फिर से उन्हें परिपूर्ण करने जा रहा है, उन्हें भरने जा रहा है, उनके पन मार्गों को खोलने जा रहा है, उनके लिए रास्तों को खोलने जा रहा है। हालेलुया रे बखशत ने बखशत तेरे रे बतेरे की रब बखशत तेरे बखशत। सभी जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करे अपने जीवन के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करे। आपका दुख वो दुख परमेश्वर के दुख को देखे और अपने दुख को कंपेयर करे, किसका दुख भारी है, किसने कितने ज्यादा दुख को सहा है। आज कहे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे लिए अपने हाथों और पैरों पर किलों को झुकवा लिया, आपने मेरे लिए अपने सर के ऊपर कांटों के ताज को रखवा लिया, ताकि मैं टेंशन में ना रहूं, ताकि मैं डिप्रेशन में ना रहूं, ताकि मैं ऐसी लाइफ को ना जीऊं, ताकि मैं स्ट्रेस में ना रहूं। आज हर एक जन परमेश्वर की ओर देखे और कहे प्रभु जी आपने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है, कहे प्रभु जी आपने मेरी शांति के लिए बारी 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 और भारी तारना को सह लिया, आपने मेरे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और मेरे अपराधों के कारण आप कुचले गए, मेरे अपराधों के कारण आप कुचले गए, मेरी बीमारियों को कहे प्रभु आपने ऊपर ले लिया ताकि मैं बीमार ना रह सकूं। आज हर एक जन कहीं से अपने मुखों को खोले, हर एक जन इस समय जहां कहीं से भी आप प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्ट हैं, आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, हर तरह के हमारे रोग। आज आपके जीवन में क्या रोग है, वो टाइफाइड, वो इन्फेक्शन, वो कैंसर की बीमारी, वो गांठ, वो सिस्ट, वो शुगर की बीमारी, वो कोई भी लाइलाज बीमारी, वो स्किन की प्रॉब्लम, वो कमर का दर्द, वो पेट की बीमारियां, वो नसों में खिंचाव, वो हार्ट की प्रॉब्लम, आज कहे प्रभु आपने मेरे सारे रोग को सह लिया, और कहे प्रभु आपने मेरे लिए जो कोड़े खाए वो मुझे इस बीमारी से आजाद करते हैं। आज अपनी बीमारी का नाम ले और कहे प्रभु वो मुझे इस बीमारी से आजाद करते हैं। यदि आप अपने परिवार जो सदस्य बीमार है यदि उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आज परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हुए यदि कलीसिया प्रार्थना कर रहे हैं तो वह आज आपको अद्भुत गवाही के साथ ब्लेस करने जा रहा है। आज अपने परिवार को प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। आज आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं, आज कहे प्रभु आप चंगाई देने वाले हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो डायबिटीज फूड, वो वॉर्म चल रहे बॉडी में, वो कीड़े बढ़ चुके हैं, आज परमेश्वर के निकट आए और कहे प्रभु जी मुझ पे तरस खाएंगे। आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं, आपके पास सारी बीमारियों का इलाज है, आपके पास सारी दुर्बलताओं से आजादी है। आज कहे प्रभु मुझे आजाद कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं कैद से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आज कहे प्रभु जी मैं इस रोग की कैद में हूँ, मैं इस दर्द की कैद में हूँ, मैं डर और घबराहट की कैद में हूँ। आज अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं और मुझे आजाद कीजिए। कलीसिया अपने आप को तालियों के साथ प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। अपने आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीरों को सभी जान ऑनलाइन कलीसिया आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, आज समर्पण करना शुरू करें। और यदि आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, तो पवित्र आत्मा से भरते हुए अन्य भाषाओं में भरते हुए आज सभी जान आज भरते चले जाए। रे बखशत देने बखशत तेरे बखशत देने बखशत। ऑनलाइन कलीसिया आज आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखने जा रहे हैं, आज आपके बंधन टूटने जा रहे हैं, आज आप आजाद होने जा रहे हैं, आज वो आपको रिहा करने जा रहा है, वो आज आपकी हर तरह की बीमारी के बिस्तरों से आपको उठा के खड़ा करने जा रहा है। रे बखशत देने बखशत देने बखशत 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 प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। आपको जो आपके जीवन में बारी बारी बोझ लगते हैं आज परमेश्वर के सम्मुख लेके आए। वो प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का राजा,
वही समय हमारे बीच में है आपकी प्रार्थनाओं को सुन के आपको अपनी शांति से भरने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आज आपके जीवन में वो चिन्ह और निशान को दिखाने के लिए वो इस समय हमारे बीच में है। और जो एक्टिवेट है, जो पुकार है, वो आज उसके अद्भुत महिमा को अपने जीवन में से देखने जा रहे हैं। वो आज परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में से वो पूरा होते हुए देखने जा रहे हैं। वो कर्जों से आजादी, वो नशों से आजादी, वो घर परिवार में मेल मिलाप, शांति, प्रेम आज परमेश्वर देने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज कह प्रभु मैं आ गया हूँ अपने अपराध, अपनी गलतियों, गुनाहों को लेके। आज मुझे परमेश्वर अपने लहू में धोके साफ कीजिए, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, वो गलत रिश्तों से कह प्रभु मुझे आजाद कीजिए। यदि आप आज आजाद होना चाहते हैं तो वो आज आपको डिस्कनेक्ट करने जा रहा है उन गलत रिश्तों से, वो आज आपको आजाद करने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी दांतों की प्रॉब्लम, हर एक तरह की प्रॉब्लम, अपनी इन्फेक्शन, अपने गले का दर्द आज परमेश्वर के निकट लेके आए। वो फूड पाइप का प्रॉब्लम, वो कैंसर का प्रॉब्लम, वो नसों का ब्लॉकेज आज परमेश्वर के निकट लेके आए। अपनी बॉडी के जो कमियां घटियां हैं वो प्रभु के सम्मुख लेके आए। वो आपके शरीर की कमियों को दूर करके वो घटियों को आज पूरा करने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो दयालु है और वो अद्भुत युक्तियों को करने वाला परमेश्वर है। उसकी प्लानिंग हमारे लिए महान है, उसकी योजनाएं हमारे जीवन के लाभ के लिए है। आज जो जो नया बिजनेस करने जा रहे हैं, जब जॉब को ज्वाइन करने जा रहे हैं, आज इसी वक्त परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, ताकि जब आप बिजनेस करें, जब आप जॉब को ज्वाइन करें, तो आपके द्वारा वहां पर अद्भुत महिमा प्रकट होने पाए। प्रभु का जलाल आपके बीच में से होकर के बातें करे, प्रभु का जलाल आपके बीच में से होकर के कार्य करने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक तरह की गांठ आज परमेश्वर के सम्मुख लेके आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आज कहे प्रभु मेरी मदद और सहायता कीजिए। हर एक जन अपने घुटनों पे आकर के कहे प्रभु मेरी मदद और सहायता कीजिए। सभी जन तालियों के साथ, वो जो घर छोड़ के चले गए हैं, आज उन्हें आत्मा में टच करें, आज उन्हें आत्मा में टच करना शुरू करें। जो माँ बाप अपने बच्चों से दूर है, जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर है, जो हस्बैंड या वाइफ घर छोड़ के चले गए हैं, आज उन्हें आत्मा में टच करना शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहे प्रभु आपकी अद्भुत महिमा हमारे घर में से प्रकट होने पाए, हमारे जीवनों में से प्रकट होने पाए। वो कोर्ट केस, वो हर एक फाइल, वो रिपोर्ट आज परमेश्वर के निकट लेकर आए। वो पासपोर्ट को आज प्रभु क्या तुम्हें सरेंडर करना शुरू करें। जिस अपने घर की लड़ाई झगड़ों की वजह से बच्चे डिस्टर्ब हो रहे, आज बच्चे यदि परमेश्वर के सम्मुख आए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, और यदि वो कह रहे कि प्रभु जी मेरे घर पे दया कीजिए, आप दया के सागर हैं, आप शांति के राजकुमार हैं, तो परमेश्वर उनके घर में अद्भुत शांति को देने जा रहे हैं। परमेश्वर उनके आंखों के हर एक तरह के आंखों से आज उन्हें आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो पुलिस केस, वो कोर्ट केस आज परमेश्वर के सम्मुख लेके आए, और हर एक जन ताले के साथ प्रभु का धन्यवाद करे एक बार उसकी प्रेजेंस के लिए। सभी जन कलीसिया आज परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रभु की अद्भुत प्रेजेंस के लिए, उसकी ग्रेट प्रेजेंस के लिए, उसकी अद्भुत मौजूदगी के लिए उसका धन्यवाद करना शुरू करें। और सभी जन आज अपने घुटनों में खड़े हो जाए, कहे प्रभु जी हे मेरे स्वर्ग के पिता, आज मैं वापिस जाने ना पाऊं, आज मैं खाली वापिस ना जाने पाऊं, आज मुझे अपने अनुग्रह से भरना, आज परमेश्वर आपका अद्भुत मसा आज मुझे घेर ले, वो मसा जो इसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, आज कहे प्रभु मुझे एक बार फिर से अपने मता में कवर कीजिए। हालेलुया, रे बखश तेरे बस तेरे रे बदिगिरा रे बाबा बखश तेरे बाबा सतेरे रे बस तेरे बस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अपनी जॉब को प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, वो कर्जों को, वो डर और घबराहट को आज प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। अपने टूटे हुए मन को, धोखा खाए हुए हृदय को, शोकित मन को आज प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और कहे प्रभु आज मैं तेम वापिस ना जाने पाऊँ, आज मैं खाली हाथ वापिस ना जाने पाऊँ, आज परमेश्वर मुझे अपने अभिषेक से भरना, आज मुझे अपनी शांति से भरना, और परमेश्वर मुझे शुक्र आजाद करना, मुझे डर से
आजाद करना, इस रोग से गए प्रभु मुझे आज चंगाई देना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज प्रभु आपके आत्मा की महिमा आए कि के जीवन से प्रकट होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी ने जोरदार ताली के साथ आज कलीसिया प्रभु का धन्यवाद करते हुए, सभी जन ऑनलाइन कलीसिया धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग उठाएं, एक-एक जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और कहें, प्रभु जी आज की प्रार्थना सभा मेरे लिए है, आज की प्रार्थना सभा मेरे जीवन के छुटकारे के लिए है, मेरे घर में प्रेम के लिए है, मेल मिलाप के लिए है, हस्बैंड वाइफ में जो दूरियां हैं वो आज समाप्त होने के लिए है। आज कहे प्रभु जी आज की प्रार्थना सभा मुझे कोर्ट केस से आजाद करने वाली है। आज की प्रार्थना सभा में परमेश्वर मैं अद्भुत रीति से प्रभु आपकी शांति से भरने वाला हूँ। और प्रभु का वचन कहता है कि जैसा तुम्हारे मुंह का अंगीकार है वैसा ही तुम्हारे साथ हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपनी जीभ को बुराई करने से रोक के रखो। आज अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। सभी जन कहे प्रभु जी मेरे मुख के द्वारा, मेरे लफ्जों के द्वारा, मेरे कानों के सुनने के द्वारा, मेरी आंखों के देखने के द्वारा, मेरे हाथों के कार्य के द्वारा, मेरे पैरों के मार्गों पे चलने के द्वारा, आज सभी जन कहे प्रभु आपकी महिमा होने पाए, आपके नाम को जलाल मिलने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए हम सब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य जलाली परमेश्वर, परम प्रधान सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे जलाल से भरे हुए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी जनों को, ऑनलाइन कलीसिया को, आपकी हजूरी में मौजूद एक एक जान को प्रभु आज आपके लहू में कवर करते हैं, पूरे हॉल को प्रभु आपके लहू में कवर करते हैं, सारी टीम्स को आपके लहू में कवर करते हैं, सारे इंतजाम को, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्रभु आज आपके लहू में कवर करते हैं। प्रभु यीशु राजा आपने आप को प्रभु आपके लहू में कवर करते हैं। आज आपका पवित्र आत्मा जुम्बश करने पाए अद्भुत रीति से प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा केवल और केवल आज आपका पवित्र आत्मा कार्य करे, और परमेश्वर हर एक भाग को आज आपके लहू में कवर कर देते हैं, अपनी सुरक्षा देना, अपनी मदद दे के चलाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते प्रभु इस समय यदि कोई दुख है, संकट में है और प्रभु निराशा में है, प्रभु जी आज हर एक तरह की निराशाओं से आजाद करना, आज संकटों से निकालने के लिए एक जनों का प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। बीमारी के बिस्तरों से उठा देने के लिए प्रभु जी आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज की प्रार्थना सभा एक अद्भुत चंगाई को लेकर आए, एक अद्भुत छुटकारे को लेकर आए, बड़ी बड़ी गवाहियाँ आज की प्रार्थना सभा में एक एक के जीवन का हिस्सा होने पाए, एक एक के जीवन का हिस्सा होने पाए, सारे देरी के आत्मे इनके आगे से हट जाने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज की प्रार्थना सभा में कनेक्टेड ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद, आज कोई भी खाली हाथ वापस न जाने पाए प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सभी जनों को आपके लहू में कवर करते हैं। आज के पवित्र कलाम के द्वारा परमेश्वर एक एक जनों से बात करना, उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो आग से तवा वचन प्रभु आज हमारे बीच में आप लेके आने वाले हैं प्रभु जी, हम उसे वचन को सुनने वाले नहीं, उसे ग्रहण करने वाले और उसके अनुसार चलने वाले बने, ऐसा हमें पवित्र आत्मा देने के लिए प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जीवन की हर गलती गुनाह से आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं, इसलिए क्षमा कीजिए प्रभु जी, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपनी सारी गलती गुनाहों प्रभु जी हम आपके सम्मुख आके मांग लेते हैं प्रभु जी, और प्रभु हमें ऐसा आत्मा दीजिए कि हम दोबारा से ये गलतियाँ, ये अपराध, ये गुनाह ना करने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। इस सारे बिजनेस को आपके लहू में कवर करते हैं, हर एक जनों को आपके लहू में कवर करते हैं, इनकी जॉब को, इनकी हेल्थ को प्रभु आपके लहू में कवर करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। दया करो आशीष दो, आज का वर्षिप परमेश्वर आपकी ओर से होने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा जुम्बश करे के जीवनों में से हर एक के पिता परमेश्वर कार्य से, सेवाओं से आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन, आमीन। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों के टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो
9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया, परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीख हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं उन वचनों को, हालेलुया गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं, हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी जिंदगी सुपर ब्लेस्ड हो और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।